गायों का संरक्षण कर गोबर से जैविक खाद, गौमूत्र से मानव को निरोग रखने की मांग छत्तीसगढ़ शासन से। बेमेतरा शासकीय कॉलेज के सामने रसोई रेस्टोरेंट पर आज पत्रकार वार्ता के द्वारा मोहम्मद फैज खान ने बताया कि वह 28 महीने में 13,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए 20 राज्यों का दौरा किया। उन्होंने पदयात्रा की शुरुआत लद्दाख से की थी, वह जयपुर तक चल रही है। वह बेमेतरा जिले के प्रवास के दौरान उन्होंने बेमेतरा ब्लॉक के थान खमरिया, बेरला, साजा, नवागढ़ नगर का दौरा कर लोगों को गाय की संरक्षण कर उनके गोबर से गाँव के कृषकों को जैविक खाद बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तथा इस गोबर खाद की उचित मूल्य को लेकर सहकारी समिति को खरीदने व गाय के गौमूत्र से अनेकों प्रकार की बीमारियां, जिसमें मुख्य रूप से कैंसर को जड़ से खत्म करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने स्वयं ही गौमूत्र का सेवन कर वे आज 20 राज्यों में पदयात्रा करते हुए 13,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। उन्होंने 4 नवम्बर को गोपाष्टमी के दिन कृषि उपज मंडी प्रांगण में बेमेतरा जिले के किसानों का सत्संग कर रहे हैं तथा वहाँ भंडारा का भी आयोजन है। उसके बाद कलेक्टर भवन में जाकर वह छत्तीसगढ़ शासन को गांव के कृषकों को जैविक खाद बनाने व खाद की गोबर प्रति 5 रुपये किलो एवं गौमूत्र प्रति 1 लीटर 10 रुपये उचित मूल्य देकर सहकारी समिति द्वारा खरीदने व जैविक खादों का उपयोग व रासायनिक खादों के लिए जो सब्सिडी दी जाती है उसे कम कर जैविक खाद को प्रोत्साहित करने की मांग पत्र कलेक्टर के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन व प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। इसमें लगभग बेमेतरा जिला से 5 से 10 हज़ार कृषकों की आने की संभावना है। गोबर को कैंसर से लड़ने वाली ताकत बता रहे हैं, क्या है, किस तरीके से कार्यक्रम होगा, सरकार को क्या बातें आपके तरफ से रखी जाएगी? देखिए, मैं एक बात जो अपने अध्ययन से समझा हूँ, पदयात्रा करके समझा हूँ, प्रैक्टिकली समझा हूँ कि संसार में कैंसर से हमें कोई बचा सकता है तो भारतीय देसी गोवंश का गोबर और गोमूत्र बचा सकता है। देसी गोवंश का गोबर और गोमूत्र जितना अधिक खेत में जाएगा उतना ज़्यादा खेत उपजाऊ होंगे और हम कैंसर नामक बीमारी से बचेंगे। ये मेरा खुद का अनुभव और बहुत लोगों का अनुभव। तो हम चाहते हैं कि सरकार और जनता भी अमृत को प्रोत्साहित करे और जो जहर है यूरिया पेस्टिसाइड का उससे दूर रहे। आज गाय दूध देना घर में बंद कर देती है तो लोग उसको घर से निकाल देते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये गाय घर में कैसे रहे। सरकार 5 रुपए किलो में गोबर खरीदे, 10 रुपए लीटर में गोमूत्र खरीदे। तो एक बिना दूध देने वाली गाय भी जब 100 रुपए प्रतिदिन देगी तो किसान और गोपालक उसको अपने घर में रखेंगे। सरकार यूरिया पेस्टिसाइड को छोड़कर प्रोत्साहित करें गोबर आधारित खाद को और वो किसानों को बनाने प्रेरित करें और उनसे खरीदें और उचित मूल्य पर लोगों को बेचे तो जमीन भी उपजाऊ होगी और हम कैंसर से भी बचेंगे, दूसरी बीमारियों से बचेंगे। इस हेतु हम प्रधानमंत्री महोदय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं। इस हेतु हम मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी से भी अपील करते हैं कि आप इस योजना को कार्यान्वित करें, 5 रुपए किलो में गोबर और 10 रुपए लीटर में गोमूत्र को खरीदें। हम इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय या प्रधानमंत्री महोदय जी से सीधे मिलने नहीं जा रहे हैं बल्कि सरकार का प्रतिनिधि मानकर 4 नवंबर गोपाष्टमी के दिन एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय को हम सब मिलकर देंगे जिसमें इस बात को लिखो।